Hello dear student, welcome back. This is me Shehzad and I am here today with some new sentences for all of you, and that is spoken basically every day in our daily uses. Okay, let's start. जैसा कि बोर्ड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, अपने काम से मतलब रखो। कभी कभी लोग कुछ लोग क्या होते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं और कुछ से कुछ बोलते हैं और लोगों को इरिटेट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन हम क्या यूज करते हैं, अपने काम से मतलब रखो। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। एक बार फिर मैं बोलता हूं, आपको सुन करके ज्यादा सीखना है, ओके, माइंड योर ओन बिजनेस। दूसरा क्या है, यह तुम्हारा काम नहीं है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तीसरा क्या है, अपनी जुबान बंद रखो, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। ओके, मैं बारी बारी से इसकी बताने के बाद फिर यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा, है ना। आप सिर्फ वीडियो को स्किप ना करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक मिनट देखता है फिर स्किप करता है, देख के लास्ट में क्या क्या है। एजुकेशन चैनल आपका कोई इंटरटेन नहीं कर रहा है क्या, कोई फनी वीडियो नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से क्या करते हैं आप, स्किप करते हैं। आपको प्रोनाउंसिएशन सही से समझ में आएगा ना, सेंटेंस सही से समझ में आएगा। बेसिकली इंग्लिश लर्निंग बाय टू थिंग्स, वन ऑफ यू कैन से लिसनिंग एंड वन ऑफ इमिटेशन। तो ये दोनों चीज आप प्रॉपर करेंगे तभी फिर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, अदरवाइज फिर आप क्या कर स्किप करते रह जाएंगे, ओके, और फिर दिमाग में आपका कुछ भी सेट ना होने वाला है, ओके। आगे देखते हैं, तुम एक बार में नहीं समझते हो, है ना, इसको बोलते हैं डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस, ओके। अब यहाँ पे बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। राइट साइड में देखते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कभी कभी हम बोलते नहीं, ये जो जितना भी जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, तो इसको हम ये बोलते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अब यहां पे क्या, एक भी शब्द ना बोले, डोंट से अ सिंगल वर्ड, डोंट से अ सिंगल वर्ड। अब यहां पे क्या है, ये सब तुम्हारी करतूत है, इट्स ऑल योर डूइंग। क्या बोलेंगे इसको, इट्स ऑल योर डूइंग। अब यहाँ पे क्या है, तुम माफी के हकदार नहीं हो। कभी कभी लोग गलती इतना ज्यादा कर देते हैं तो हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, तुम माफी के लायक नहीं हो, तुम माफी के काबिल नहीं हो। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस। एक बार फिर सुन ले, यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, बकवास ना करो, ओके, या बकवास मत करो, एक ही चीज है दोनों, हाँ, दोनों सेंटेंस सेम है। इसको बोलेंगे डोंट टॉक रॉट, ओके। मैं एक बार फिर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और इसको देखते हैं बारी बारी से, सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं, ओके। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, अपने काम से मतलब रखो, इसको लिखेंगे इस तरह से, माइंड, एम आई एन डी, माइंड योर ऑन बिजनेस, बी यू, इसको बिजनेस ना पढ़ के इसको बिजनेस पढ़ेंगे, माइंड योर ऑन बिजनेस, ओके। ये सब तुम्हारा काम नहीं है तो क्या बोलेंगे, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ओके। अब यहां क्या है, अपनी जुबान बंद रखो, तो इसको बोलेंगे होल्ड, होल्ड योर टंग, टी ओ एन जी यू ई, टंग। तुम एक बार में नहीं समझते हो, इसको बोलेंगे डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस, ओके। अब यहां पे क्या है, बस बहुत हो गया, तो इसको बोलेंगे इनफ इज इनफ। आप देखें इसको, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं और मैं जो बोल रहा हूं उसको कॉपी भी कर सकते हैं, बस बहुत हो गया। क्या बोलेंगे, इनफ इज इनफ। इसको आपको वर्ड मीनिंग के अंदर क्या करना है, आसानी से याद कर लेना है, एक लाइन का सेंटेंस है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। अब यहां पे राइट साइड में ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो इसको बोलते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, है ना। एक भी शब्द ना बोले तो इसको बोलेंगे डोंट से अ सिंगल वर्ड, ओके। ये सब तुम्हारी करतूत है तो इसको लिखेंगे इट्स ऑल योर डूइंग,
ठीक है, ये सब तुम्हारी करतूत है, इट्स ऑल योर डूइंग, तुम माफी के हकदार नहीं हो। तो क्या बोलेंगे इसको, यू डोंट डिजर्व, DESERV, डिजर्व फॉरगिवनेस, FORGIVE, सही से लिख दो इसको, GOR FORGIVE, फॉरगिव NESS, ठीक है। एक बार फिर एक्सप्रेस सुन लें, FORGIVE NESS, फॉरगिवनेस, यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस, बकवास ना करो, डोंट टॉक रॉट। ओके, आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिवाइज कर दूं आपको, अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, ये तुम्हारा काम नहीं है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। उसके बाद क्या है, अपनी जुबान बंद रखो, होल्ड योर टंग। उसके बाद क्या है, तुम एक बार में नहीं समझते हो, डोंट क्या है, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस, उसके बाद बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, आगे देख लेकर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये भी शब्द ना बोलें, डोंट से अ सिंगल वर्ड, ये सब तुम्हारी करतूत है, इट्स ऑल योर डूइंग, तुम माफी के हकदार नहीं हो, यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस। उसके बाद क्या है, बकवास ना करो, डोंट टॉक रॉट, इस तरह से आप बार बार सुने, और हो सके तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट भी मार सकते हैं, एक लाइन का सेंटेंस है, या जहां जरूरत पड़े आप इसको आसानी से बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको हॉट टॉक करने के लिए सिखा रहा हूँ या किसी से कुछ मतलब टक्कर लेने के लिए सिखा रहा हूँ, बस आपको ये जहां जरूरत पड़े आपको इसको यूज कर सकते हैं। कभी कभी लोग जजमेंटल हो जाते हैं और कुछ से कुछ बोलते हैं, तो लोग उससे रिलेटेड होकर के ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, जैसे अपने काम से मतलब। ओके, आज के इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।